मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा होने के बाद आचार संहिता लगा दी गई है, जिसके बाद आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में इंदौर के चंदन नगर थाना क्षेत्र में दो प्रत्याशियों के खिलाफ पुलिस ने कार्यवाही करते हुए दो प्रचार के वाहन भी जब्त किए हैं। मामला चंदन नगर थाना क्षेत्र का है, जहां आचार संहिता का पालन कराने के लिए पुलिस लगातार भ्रमण कर रही है। वहीं क्षेत्र में दो वाहन ऐसे बरामद किए गए जिन पर लाउड स्पीकर व बैनर पोस्टर लगाकर प्रचार प्रसार किया जा रहा था। इसके चलते पुलिस ने दोनों वाहनों को तुरंत अपने कब्जे में लेकर जब्ती की कार्रवाई की। जिन प्रत्याशियों के खिलाफ वाहन प्रचार कर रहे थे, उनके खिलाफ भी कोलाहल अधिनियम व आचार संहिता का उल्लंघन का मामला दर्ज किया है। कल क्षेत्र भ्रमण के दौरान दो वाहनों को जब्त किया गया है, जो अपने वाहनों में लाउड स्पीकर और डीजे साउंड लगाकर प्रचार प्रसार कर रहे थे। दोनों को जब्त कर दोनों पर कोलाहल अधिनियम और आचार संहिता के उल्लंघन के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। दोनों पर किसके वाहन थे? एक ग्राम पंचायत सरपंच प्रत्याशी बांक सोहरा पटेल और दूसरे खलील मुल्तानी, इन दोनों के विरुद्ध। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य।